बात अगली खबर की। लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो जाने के बाद अब फतेहपुर चंदीला गांव में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए भुखमरी की नौबत आ गई है, जिसके चलते पेट की भूख के आगे सोशल डिस्टेंसिंग दम तोड़ती नजर आ रही है। लोग हाथों में खाली बर्तन उठाए खाना बांटने वालों के इंतजार में सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल चुके हैं और यहाँ कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। दिखाई दे रहा नजारा फतेहपुर चंदीला गांव के रोड का है, जहां प्रवासी मजदूर महिलाओं और बच्चों के साथ हाथ में खाली बर्तन लिए भीड़ लगाकर खाना बांटने वालों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि किसी तरह उन्हें खाना मिल जाए और वह अपने पेट की भूख शांत कर सके। कोरोना महामारी के दौर में यहां दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आती। लोगों ने बताया कि पुलिस रोज खाना बांटने आती है और उसी के इंतजार में लोग बच्चों के समेत खाने के इंतजार में हाथों में सोशल खाने के लिए खड़े हैं। अच्छा। खाना आने वाला है। तो कितने बजे से यहाँ खड़े हैं? 11 बजे से खड़े हैं। अच्छा, अभी तक कोई देने नहीं आया? नहीं, अभी कोई पता नहीं लगा ना, कभी 11 बजे भी आ जाए, कभी 12 बजे भी आ जाए, कोई पता नहीं है। तो कोई राशन नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं, राशन का तो नाम ही बदलो, राशन का तो कुछ चेंज ही नहीं है। तो कौन से गांव से और कौन सी जगह से? मैं तो आगरा से हूँ। पीछे से नहीं, यहाँ पर कहाँ रहते हो? मैं चंदीला फतेहपुर में, चंदीला ये लगता है। खिचड़ी बट रही है। अच्छा, कौन देने आता है यहाँ पे? पुलिस वाले, पुलिस आती है। अच्छा, तो बिल्कुल डिस्टेंस भी नहीं है, कुछ भी अभी तक आए नहीं, सारे भाग के आप जा रहे हैं आप लोग? नहीं, वो यहाँ के 11 बजे आती, वो यहाँ के चौकी वाले आए थे, वो भगा रहे हैं, पर जो और बाहर से चौकी वाले आते हैं वो बांटते हैं। अब यहाँ तो कह रहे हैं आधार कार्ड पे वो राशन मिलेगा, कंट्रोल वाले कहाँ दे रहे हैं राशन। तो क्या नाम है आपका और कौन सा एरिया ये? ये फतेहपुर है, चंदीला फतेहपुर।